हे दाई माँ जो आप रकीनो है आपने मिले लो पूरन आप झटपट तैयार हो जाओ। कभी की कल्पना सजना हो दाई माँ झटपट तैयार हो जाए ठाकर गोविंद सिंह जी का मेला जा समन कटारो हाथ लियो बागड़ की धरती का देई देव मना सूरज भगवान ने करके याद और कमर का नाला मोड़ी सोन की अंगठानी अमा भटियाणी की कोख बागड़ की धरती को देव जन्म ले बोलो सी जी महाराज की। घर घर में सोने का थाल बाजा बड़ो मंगलाचार होयो घर घर में बांटे बधाई बांटे करे चार बांटियो गदी घर घर में बधाई बांटी। अब ठाकुर गोविंद सिंह जी एक कारू का छोरा ने लो करू अरे कारू अरे ओ भाई नाईगा तो एक काम कर बेगो जा और जो अपनी नगरी का जोशी जी है बाने बुला के ल्याओ ल्याओ अपने कमर का नाम कटाड़ा है सजनाओ किसी भांति कारू को छोरो जोशी के दरबार जावे किया दादे नूंद्र ल्यावे किया आगे की लीला बन जावे सा। बोलो सिंह जी महाराज की भक्त और भगवान की जय हो। देखो जो मेरा भाई पीछे विराजमान है आपसे एक निवेदन करना चाहूं एक बात आपने बताना चाहूं कि जो जयकारो बोलनो है या ताली बजावनी हुए बाकड़ा चौकी लागे अरे सभा में हमेशा जयकारो करनो कटा चौको लागे जठे आपा सब रणवीर भगवान ने याद करा बट बैठ जयकारो करांगा तो वो जयकारो सोब्या देवे देवे को अगर बट ताली बजावांगा तो भी ताली तो कुछ न कुछ अहम बनेगो भी महत्व बनेगो दिन गए सड़क पर जा रहे जय हो बोलो श्री जी महाराज की जय हो निरंजन बाबे की जय हो कोई कह दे सीओ भगत है देखो कौन के कोई भी कौन कह भी हो भगत है आपने सागर के सी कोई ना कोई दिमाग को तार हलियो है रात को ठीक हो बिकानेर ले चलो किसी रात तो सावण बात करा हो अब किन की गड़बड़ है भाई क्यों जो ठोडरी बात है पर ठोड की जिया चौकी लागे जयकारो बोलनो ताली बजावनी ईरो पंडाल के सगे संबंध है अरे अठी सोबिया दिया है आपने एक रिवाज बने भी है आपने घर कोई मास्टर ला जोड़ा हुआ है बांगे घर का आ जिया आपा के वहां मैडम जी आ गया बे मैडम लागेड़ा कोनी हुए पर बरलती बात है जद केस का मैडम जी आ गया आओ मैडम जी आप बैठो कोई फौजी के घर का आ जाए आपा कह दे वहां आओ फौजन बैठो अरे क्यों आ रणती जुड़ती बात है जद कमा कोई डॉक्टर लागेड़ो हुए बंग घर का आ जाए तो भी आपा कह वहां आओ डॉक्टरनी जी आप बैठो अरे कोई डाकिये के घर का आ जाए जना आपा यहां कह वहां आओ डाकड़े बैठो कते भी नहीं कह सका क्यों आई में रणती बात नहीं है कौन नहीं एक टीटी हुए रेलवे में टीटी लागे डो टीटी के घर का आ जा तो आप यहां पे वहां आओ टीटन बैठो कभी भी नहीं कह सका क्यों आई में रणती जब भी रणती बात कौन नहीं अगर कह दिया तो कुछ ना कुछ उड़को सीधो हो जाओ अरे तो जयकारो बोलनो ताली बजावनी हीरो पंडाल के सगे संबंध है इंगवा अपना जाबक भी ला रहे रहनो कोनी कोनी बोलो सी जी महाराज की भक्त और भगवान की सच्चा दरबार की। अब ठाकुर गोविंद सिंह जी किसी बात की कारूगा छोरे ने बुलावे क्या आगे की लीला बने देखो विशेषकर मेरा जो नौजवान भाई बहन बैठा है वासु मारो निवेदन है जो इतिहास की बात लगा रहे हूं मैं न कि बडेरा माइता के लिए लगा रहे हूं आपरे लिए लगा रहे हूं बच्चा के लिए लगा रहे हूं क्यों आप लोग थोड़ा ध्यान दे सुनो ताकि अपन पतो चले देव कौन है कुकर धरती पर आया
आएड़ो के काम कर दियो कि आज तक आप सब लोग इकट्ठा हो रहा ना मान रहे हैं। बात रो आपने सदी पतो चाले लो जब आप ध्यान दे सुनो ला कि मैं रुचि लो ला। अब जन्म हो लियो किसी भांति से जो शिशि महाराज आवे क्या नाम लिखे क्या आगे की लीला। अब कारुगारे सुन ले मन डाली मेरी बात रे कारू जाया सुन मन मेरे वाली जो सीधा दो
हसम थोड़े बोल रही दुनिया में आकर गोमन सिंह जी हेलो करियो करूंगा ओ भाया नंगा आप यहाँ करो जल्दी जाओ और जोशी ने बुला के करूंगो बेटो जोशी के दरबार जाए हेलो करियो दादा अरे ओ दादा खोलो थारा सजन की वाड़ अरे यहाँ गयो बुलाओ रंग आपने दादा बुलाओ आए हुए आप झटपट तैयार हो जाओ ठाकर गोमन सिंह जी के अमर जन्म लियो है और नाम राख रहे हैं जोशी जी महाराज ने बोले कभी की कल्पना सजनाओ कारूगा नामा की लेऊंगा धोड़ी रे और टीपणा का लेऊंगा अमर धोड़िया धोड़िया हे दादा नामा की धोड़ी देन दे देशा और हने जो थरा अमर टोडिया बे मिल जी सी आप यहाँ करो झटपट पहुंचो आपने याद करे अरे जोशी जी महाराज झटपट तैयार उभरो आपरा वेद पुराण देगे और रीमा झीमा के ठाकर गोमन सिंह जी के दरबार में पहुंची जावे दरबार में जा अब जी ही घर आया ठाकर गोमन सिंह जी दादा ने आऊं ता देखिया बड़ा राजी होया जोशी जी महाराज के सामान चाले जागे दादा के दे परिक्रमा और ठाकर साहब के पाए लागी जावे ए दादा धन भाग मारा दर्शन हुया थारा ए दादा बहुत ही आज भलो दिन है आप मारे घरे पधारे हो आप यहाँ करो आगा मानक चौक माओ एर खोलो पगरखी बिराजो जिनी जाजमा आप जाजम पर बैठो मारे कमर को नाम कटाओ सायराओ जोशी जी महाराज आपरा वेद पुराण ले कौर को नाम कटाए हुए हे ठाकरा हे जजमान भला कैसे कंवर का दिन बार अरे भले बारह में कंवर जन्मियो बहुत ही अच्छे नक्षत्रा ही रोज जन्म हुए हुए हे ठाकरा कंवर सिलो को राखू नाम शिव जी महाराज रो जन्म रो नाम जो ब्राह्मणा को राखो वो कंवर सिलो को हो और निरंजन बाबे बहुत ही दी टेम कहो ठाकरा हर जो पहलो पुत्र जन्म ले वे बारो नाम बहुत राखण है अरे अब कंवर का नाम राख दिया अब सायरो वेद बांसता बांसता एक काली कलम दादे के आगा आ गई नजर में आई दादो एकदम मुरझा गया क्यों आज की दादा की कहानी हुए आज थोड़ी अटपटी हुए अरे एक बार चौधरी के घरे बेटो जन्म लियो चौधरी साहब दादा ने हेलो करियो दादा आप मार बेटा को नाम रखो पंडित जी देव बोलिया नाम यहाँ बताओ नाम 10 रुपया को रखो 20 रुपया को अरे बोले 10 रुपया के नाम है राजपाल बोले ओ तो चोखो कौन लागे 20 रुपया को विनोद कोई ठीक को नहीं अरे दादा नाम ऐसो रखो कि पूरी नगरी में मारे बेटे रो नाम किमे मिलनो ना ही सही है पंडित जी महाराज दे बोलिया जजमान नाम तो भाई किमे किमे मिल लीजिया अरे इन्हें माता में बैठो निवेदन करूँ आप थोड़ा सा शांत अब आओ से बैठो अब पंडित जी महाराज मन में विचार करो यहाँ यहाँ पर ला है टीपना काम कोई नहीं हो अरे टीपना बंद कर चौधरी ने हेलो मारियो जजमान है ये थार ले सोरे को नाम है चौपड़ ओ किमी गोनड़े अरे क्यों तो बिलोने मुए का थार सोरो है अब थोड़ा टाइम हो इतन भी चौधरी के एक बेटी जन्म और ली
अब फिर पंडित जी ने हेलो करियो दादा आप यहाँ करो बेटी को नाम ऐसो रखो की मई रड़नो ना ही सही है। पंडित जी महाराज ने बताओ कहीं चौधरी गांव पर लाठी पड़ा कठे नेड़ करी जावे कोनी ऑनलाइन निकालनो पड़ जी। हाँ अब पंडित जी के बोले आई है चौधरी थारी बेटी रो नाम है बोबर। अरे ओ किमी गोरड़ है अब बेटा रो राख दियो चौपड़ है बेटी रो राख दियो बोबर है दो बड़दिया पाओ नाम चौधरी आप ही राख दियो एक को बटौड़ो और एक को घोटियो। अब ऐसा नाम राख दिया थोड़ो इन्हें माता में डोंगे दिन तो आप थोड़ा सा ये देखो सब्जी मंडी भी कौन मनानी आपा आपने मिल जी सी चा पानी सब व्यवस्था पूर्ण है महाराज के दरबार में कोई चीज की कमी नहीं है। अब चौधरी ने घरे बटऊ आ गया कौन आयो कमरे मार बैठो लंबरदार नहीं यार देख बोली कौना हने रोटी अब ही जला क्यों चौपड़ आवे जना जीवशो। अरे क्यों वो बेटो चौपड़ो वो बारह गेड़ो बटाओ मन में विचार करो आपा तो डेढ़ महीनों एरियो आया आपा लुखी क्यों जी मां चौपड़ संग जी मां बिन ही हटाओ कोनी छोरे को नाम चौपड़ रख। अब 2 बजे ताई अड़ी क्यों एक दम यहां आंतड़ा खींची जन लाग गया बटाओ मन में विचार करो चौपड़ ही गम ही कोनी करोड़ों की भूखा ही बैठा कितन वो चौपड़ आयो चौपड़ घर में बड़ियो जन में बड़ दिया दोनों खुला बल्दिया रो नाम एक को बटौड़ो और एक को घोटियो। अब दरवाजे आओ तो ही वो चौपड़ हेलो करे माँ माँ तुम ही बटौड़े ने बांधी मैं घोटियो ले आऊं। अरे अब बटौड़ का कान खड़िया हो जाले अजीम ले चूर के अटे चूंटिया भाव हो वो तो नबांदर कूट सी। अब वो बटौड़ा सुको मकान में निकले कन्हे सरकना में कूड़िया पड़िया पांच नीचे पड़ गई। अरे मन में विचार करो जान जान तो बतावा अब बेटो फेर हेलो करे माँ भी बटौड़े न बांध मैं घोटियो ले आऊं। माँ देख बोली बेटा बटौड़े न के बांधू मेरकन बेटा ओबर है ओबर नाम सॉरी को तो। अब वो चौपड़ देख बोले माँ ई बोबर ने रेड में पूड़िया में अपन बटाऊ मन में विचार करो कहना तो कुटाऊ सरा हो अब वो बोकर पुलिया में बरसी नजर की शामाई। अरे अब बाजार बारे निकले वो चौपड़ दे बोले तुम उड़ के एक रहा बेटी रा बाप मैं भूखो ही उड़ जी शोर के मैंने मारो क्या घर पर तन कड़ मारियो अधीर तो कह लाग रही हो तो भी घोटिये ने मैं घोटियो ले आऊं तो बिन बटौड़े ने बांध आप यहां बताओ हर चौपड़ नाम की रोए बोले चौपड़ नाम मेरो। अरे अरे बोबर बोबर बा मां कन भाई की खड़ी है बिंगो बटौड़ो बटौड़ो वो की काली वाले तो बिना नाम बटौड़ो है अर गोटियो ये खोंडिया पर देखो अर वो खोंडियो पर देन जरूर बोली अंगन खड़े बिना नाम गोटियो है अंबर बटाऊ मात है मात मारियो खाने पंडित को ठीक ही मिली है। अरे तो दादा की कहानी थोड़ी अलग हुए पंडित जी महाराज कंवर को नाम सिलो को कंवर राख दियो अच्छा नक्तर बता दिया। अब एकदम बांसता बांसता अचानक मुरझा गया ठाकर साहब दे बोला ये दादा बात की है अधेर तो आप हाँ मुड़क सब बात बता रहा अब एकदम मुरझाया कुकरों की बात है कोई छोटी मोटी बात है तो ही माने बताओ आप यहाँ निराश कुकरो या नहीं दादा ठाकर साहब इसी तो कोई बात नहीं है नहीं दादा ऐसे की आप बात बताओ बात की आप यहाँ उदास कुकरो या हो ब्राह्मण हाँ सो ठाकर ठाकर गोविंद सिंह जी ने कहो हे ठाकरा कैसे कहूं ठाकर कहो नहीं जावे अर केऊ तो डर गणो लागे क्यों दादा डरने की के बात है। हे ठाकरा आप देश दीवानी राजा हो आप छतरी वंश से हो और मारे सीध में एक काली कलम आ रही है अगर मैं आपने बता दी तो आप माने दोबारा बोलने से छोटोगा भी कोनी। अरे ठाकरा ई वास्ते मारू कहियो कौन सा दादा तू तो कोई एक बात बतावे लो जाओ अगर छोटी मोटी 7 बात बता दिया तो भी मैं थारू निराज हूं कोनी इया नहीं तो ठाकर साहब अगर आप माने वचन दे दियो कि मैं थाने बात बताऊं तुम्हारे पर निराज नहीं होला तो मैं थाने बतास को निस तो मारू कई हो जावे कोनी। ठाकर गोविंद सिंह पंडित जी महाराज ने हेलो करियो दादा
जाओ आपने बचन है निदाना बचन क्रिया बदराय बचन कर केरू दल खोया बचन क्रिया हरिश्चंद्र नीच कर नील सिंह रोया बचन कर कु बचन करे जारी जीव गरगा कटिए कहे ठाकर गोमन सिंह कौल बचन कोनी बल्टिए भैंस की बात बताओ सजनो पंडित जी महाराज ठाकर साहब बचन ले किसी भांति कमर की आगोतर की बात बतावे किया ठाकर साहब दब दब नैन भर गया किसी भांति भगवान आगे लीला लिखे आप सब ध्यान दे सुनो ला